रेडी हो गई हूँ, नहा भी रही हूँ, सारा काम हो गया है, पूजा कर ली हूँ। अब मैं बनाऊंगी खाना, दोपहर का खाना। तो चलिए, और आप सभी लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है जरूर बताना कमेंट में। पसंद आता है तो लाइक भी करना, और जो मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी चलिए मैं मिलती हूँ किचन में आप सभी लोगों के साथ। पहले आज मैं किचन से स्टार्ट करूँगी अपना ब्लॉग। तो चलिए, हाय गाइस, अभी मैं इधर आ गई हूँ किचन में। तो आज मैं बनाऊंगी सूरन की सब्जी, जो कि हम लोग बोलते हैं तरुल। तो उसका सब्जी बनाऊंगी और बहुत टेस्ट लगता है खाने में। तो मैं बॉईल करके नहीं, डायरेक्ट काट के फिर उसके बाद डायरेक्ट, जैसे आलू का सब्जी भी बनाते हैं ना, जो भी बाकी सब्जी बनाते हैं ना, डायरेक्ट उसी तरीके से बनाऊंगी। और कोई कोई होता है जो बॉईल भी करके बनाते हैं, बॉईल करके भी टेस्ट लगता है खाने में। जिस तरीके का आलू का सब्जी बनाते हैं ना बॉईल करके, तो उस तरीके का भी आप बॉईल करके बना सकते हो। यानी कि माघ के महीना में जो संक्रांति आता है ना, तो उसमें भी हम लोग खाते हैं बॉईल करके, नमक मिर्ची लगा के। तो सुबह सुबह नहा के ये सूरन और यानी कि तरुल और स्वीट पोटैटो हम लोग बॉईल करके माघ। सो गाइस, मैं सूरन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ, और ये बहुत ही आसान होता है, छीलने में भी बहुत आसान होता है और बहुत अच्छा लगता है खा के। अगर आप लोगों के उधर मिलता है तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें सब कुछ मसाला आप ऐड कर सकते हो, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला वगैरह ऐड करके बना सकते हो। तो चलिए, सो गाइस, मैं सूरन को एक बार धो ली हूँ, काट के फिर धो ली हूँ, और इधर जो है पानी बाहर फेंकने आई हूँ। तो मैं आज सुबह सुबह किचन से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, और आज मैं बनाऊँगी सूरन का सब्जी। तो चलिए, मैं नहा के रेडी भी हो गई हूँ, पूजा भी कर ली हूँ, और इधर मेरे बेटा के साथ मैं बात कर रही थी। तो चलिए गाइस, कैसे बनाते हो आप लोग भी देखिए, और पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। तो गाइस, अभी मैं इधर सब्जी बनाने के लिए रेडी कर रही हूँ, कढ़ाई बिठा दी हूँ गरम होने के लिए, और लहसुन प्याज अदरक वगैरह सब कुछ रेडी कर दी हूँ काट के। और अभी मैं टमाटर काट रही हूँ, और आप लोग को पता ही है जैसे मैं मतलब बनाती हूँ ना रोज़, उसी तरीक़े से ही मैं बना रही हूँ सूरन का सब्जी, और खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्ट लगता है, और ये इस सीज़न में बहुत मिलता है और अच्छा भी लगता है सब्जी। और इसे ना बॉईल करके नमक मिर्ची लगा के भी खाने में बहुत टेस्ट लगता है। और एक बार शायद मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, साग में डाल के मैं बनाई थी, लाई साग में डाल के बनाई थी, बहुत टेस्ट लगता है साग में भी। तो चलिए गाइस, मैं सब्जी बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप सभी लोगों को। इधर हमारा मसाला बन के रेडी हो गया है, और प्याज लहसुन वगैरह भुनने के बाद फिर टमाटर डाल दी थी और मसाला भी इसी में ऐड कर दी थी। तो गाइस, जो सूरन जो मैं काट के रखी थी वो मसाला में मैं ऐड कर दी हूँ, और अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक के मैं पकाऊँगी, और काफ़ी देर तक पकाना पड़ता है। और इधर आप लोग देख सकते हो, और काफ़ी अच्छा लगता है, इसमें मसाला वगैरह सब कुछ ऐड कर सकते हो और बहुत टेस्ट लगता है। और बॉईल किया हुआ आलू था, तो आलू भी मैं इसी में ऐड कर दी हूँ। और गाइस, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ गाइस अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए गाइस। मैं कोशिश कर रही हूँ जो रोज ब्लॉग पोस्ट करूँ। तो गाइस, वहाँ सब्जी बन रहा है, इधर मैं धनिया का पत्ता रेडी कर रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ। धनिया का पत्ता साफ़ करके रख दी हूँ थाल में, और इसका जो डंठल वगैरह था उसे मैं फेंक दूँगी बाहर, और कोशिश करती हूँ जो आप सभी लोगों को अच्छे से अच्छा ब्लॉग में दे पाऊँ, पोस्ट कर पाऊँ। गाइस, अभी मैं इधर सलाद बनाने का तैयार कर रही हूँ, तो ये आप चटनी भी बोल सकते हो, सलाद भी बोल सकते हो। मैं बीट और गाजर का कद्दूकस कर रही हूँ, और इसे मैं टमाटर भी ऐड करूँगी, और अदरक भी ऐड करूँगी, मिर्ची, धनिया का पत्ता सब कुछ ऐड करूँगी। आप लोग देख सकते हो, बीट और गाजर को मैं कद्दूकस कर ली हूँ, और मुझे इस तरीका का ना बहुत टेस्ट लगता है खाने में, सलाद या चटनी भी बोल सकते हो आप। तो इस तरीका का बना के आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्ट लगता है खाने में, और टमाटर भी डालिएगा। हाय गाइस, तो मेरा दोपहर का खाना हो गया है, बना ली हूँ, और अभी थोड़ी देर में खाऊंगी, और उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा साफ सफाई है। आप लोगों को पता ही है मेरे ब्लॉग में, मेरे वीडियो में आप लोगों को क्लीनिंग एंड के साफ सफाई ज़्यादा मिलेगा। तो मैं घर में करती हूँ ना, तो वही आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ।
तो एक किसी ने कमेंट किया था आप बहुत काम करती हो। हाँ वो तो है, घर में रहती हूँ, हाउस वाइफ का काम ही ये है, जो जो चीज़ मतलब सेट नहीं है उसे सेट करके रखो, जहाँ गंदा है उसे साफ करो, हाउस वाइफ का वही काम है, घर बैठ के वही काम है। तो अभी दोपहर का मेरा खाना बन गया है, खाना बना ली हूँ और उसके बाद फिर थोड़ी देर में खाना खाऊँगी और उसके बाद थोड़ा किचन में थोड़ा सा साफ़ सफाई है, फिर उसके बाद अंदर वाला रूम भी साफ़ करना है। तो चलिए हे गाइस, हमारा लंच बन के रेडी हो गया है। सुरन का सब्जी ली हूँ और सलाद ली हूँ और मैं आलू और सीम का फ्राई भी बनाई थी। आलू और सीम का फ्राई, सीम मेरा हस्बैंड खाते नहीं है तो बस मैं ही मैं खाती हूँ, घर में कोई खाते नहीं है, मैं खाती हूँ तो मेरे लिए बनाई थी। और मुझे सीम बहुत पसंद है, ऐसे फ्राई करके खाने में, आलू के साथ फ्राई करके खाने में बहुत टेस्ट लगता है। और अभी मैं इधर आ गई हूँ लंच करने के लिए, बाहर में आंगन में बैठ के खाऊँगी, लंच करूँगी, क्योंकि मेरा बेटा लोग इधर बाहर खेल रहा है ना, तो इसी वजह से मैं बाहर ही बैठ के खाऊँगी। सो गाइस, मैं लंच कर लेती हूँ और आप सभी लोग भी कर लीजिए, ये व्लॉग तो जाएगा शाम को फिर भी। तो चलिए गाइस, मैं लंच कर लेती हूँ और मुझे ना इसी तरीका का सिंपल सा लंच बहुत अच्छा लगता है खाने में। और आप सभी लोगों को मेरा सिंपल लंच कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इस तरीका का सलाद बना के आप लोग भी खाइए, बहुत टेस्ट लगता है गाइस। बस लंच करने के बाद थोड़ी देर आराम कर ली थी, बैठ गई थी और अभी मैं आ गई हूँ किचन को, थोड़ा सा साफ़ करना था। और ये जो बेर है, बेर था तो मैं एक थाल में लेके रखती हूँ। अभी मैं इधर क्या करूँगी, हाँ चना भिगोने के लिए गमला को खाली कर रही थी, तो ये थोड़ा सा चना था तो रात को या फिर कल सुबह के लिए नाश्ते के लिए मैं अभी ही भिगो दे रही हूँ, क्योंकि रात के टाइम में मैं भूल जाती हूँ। अगर अच्छे से फूला तो मैं रात को ही बनाऊँगी, अगर नहीं फूला तो सुबह ही मैं सुबह नाश्ते में बनाऊँगी चना का सब्जी। तो अभी मैं भिगो लेती हूँ गमले में, मैं डाल दी हूँ चना। और अभी मैं देखती हूँ, जो बकेट में पानी भी नहीं है पीने वाला पानी, तो फिर पानी भी फ़िल्टर करना पड़ेगा मुझे अभी, तो अभी फ़िल्टर करूँगी तो शाम के लिए भी हो जाएगा। तो चलिए गाइस, मैं अपना काम फटाफट से ख़त्म कर लेती हूँ। और आप सभी लोग सोचते होंगे कितना काम करती हूँ, लेकिन एक हाउसवाइफ हूँ तो घर का तो काम होता ही है, कभी काम ख़त्म नहीं होता है। इधर पानी फ़िल्टर कर रही हूँ और इधर ना मैं डक को भगाने वाली हूँ, भगाती हूँ, क्योंकि जब भी मैं पानी फ़िल्टर करती हूँ ना तो डक आ जाते हैं और जुठा कर देते हैं पीने वाला पानी और पूरा गंदा कर देता है बकेट भी, इसी वजह से भगाना। अभी दोपहर का समय है, 2:30 का टाइम हो रहा है, 2:30 बज रहा है, तो इसी वजह से अपना किचन को भी मैं साफ़ कर लूँगी और इस बरंडे को भी थोड़ा सा साफ़ करना है। और तो अभी साफ़ करूँगी तो कल तक पूरा साफ़ रहेगा। खाना वगैरह बना लेने के बाद अगर आप अच्छे से किचन को साफ़ करोगे ना तो किचन बहुत साफ़ रहता है, तो शाम के समय भी उतना साफ़ करने का ज़रूरत पड़ता नहीं है, अगर दोपहर के समय अगर आप अच्छे से साफ़ कर लो तो। अभी मैं पोछा भी लगाऊंगी किचन में, झाड़ू लगा ली हूँ, अभी पोछा भी करूँगी। मैं पाइप लेकर आऊँगी, इस जो किचन के पास वाला बरंडा है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि उसमें धूल मिट्टी बहुत जम गया है। पोछा लगाने से अच्छा पानी डाल के साफ़ करूँगी, फिर बाद में पोछा लगाऊँगी। और सावधानी से मुझे इधर पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि वो जो बोरी दिख रहा है ना वाइट कलर का, उसमें चापट है, बकरा लोगों का खाना है, उसमें भीग ना जाए, कि वो भीग गया तो ख़राब हो जाएगा, वो चापट भीग गया तो ख़राब हो जाएगा। और दरवाजे के पीछे थोड़ा सा सीमेंट भी रखा है, तो इसी वजह से पूरा सावधानी से पानी मुझे इधर मतलब पानी से साफ़ करना है इस बरंडे को। मैं करूँगी किचन में, पोछा लगाऊँगी किचन में। तो इधर मैं बकेट में पानी ले ली हूँ, पोछा ले ली हूँ और अभी मैं किचन पोछा लगाऊँगी। किचन काफ़ी ज़्यादा हमारा गंदा हो जाता है, कीचड़ कीचड़ हो जाता है, आप लोग देख ही सकते हो, क्योंकि चारों तरफ से पानी, किचन इसलिए गंदा होता है, किचन और बाहर का साइड पूरा बराबर हो गया और पानी का काम ज़्यादा चलता है, तो इसी वजह से कीचड़ कीचड़ हो जाता है किचन। सारा किचन को साफ़ कर लेने के बाद फिर मेरा बेटा को ट्यूशन भी छोड़ने जाना है, तो किचन साफ़ करने के बाद फिर अंदर वाला रूम मुझे साफ़ करना है, कपड़ा धो के, जो मैं कल जो कपड़ा धोई थी वो सारा कपड़ा को आज तय लगाना है, कल नहीं लगाई थी, आलस लग जाता है काम करते करते, तो इसी वजह से कल तय नहीं की थी, आज तय करके रखूँगी और उसके बाद फिर मिलती हूँ आप सभी लोगों से। तो गाइस, अभी मैं इधर आ गई हूँ अंदर वाला रूम, किचन का तो सारा काम ख़त्म
हो गया है और इधर सेल्फ में थोड़ा सा धूल हो गया है, काफ़ी धूल हो जाता है गाइस। जितना भी साफ़ करो ना, घर कभी साफ़ होता ही नहीं और हमारा काम भी कभी ख़त्म नहीं होता है। एक हाउसवाइफ का काम आप जितना भी बोलो, जितना भी जल्दी जल्दी करो, काम ख़त्म होता ही नहीं। एक ना एक तरफ से काम हमारा मतलब कि रेडी रहता है, काम जो ये काम भी करना है बोल के रेडी रहता है। तो इधर आप लोगों को दिख रहा होगा वाइट वाइट धूल वगैरह दिख रहा होगा रेड वाला पेपर में, तो उस धूल को भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो ऊपर वाला सेल्फ तो कर ली हूँ और नीचे वाला सेल्फ को साफ़ करना है, और मुझे ना साफ़ सफाई करना उतना आलस नहीं लगता है। हाँ, मैं काम धीरे धीरे करती हूँ लेकिन साफ़ रखना, साफ़ करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या करूँ, एक तरफ से साफ़ करते जाती हूँ, दूसरे तरफ में गंदा हो ही जाता है। और ये जो धूल है बहुत ज़्यादा होता है हमारे घर में, क्योंकि बाहर का धूल पूरा अंदर आ जाता है। सो गाइस, अभी मैं इधर कपड़ा तय कर रही हूँ और ये जो सोफ़ा कवर है कुछ दिन पहले ही धोई थी मैं, और चेयर में जो आप लोग देख रहे हो कपड़ा, वो कपड़ा मैं कल धोई थी। तो मुझे वो कपड़ा भी तय करना है, कल तो तय नहीं की थी, कल आलस लग गया था। तो मुझे आलस भी बहुत ज़्यादा लगता है और रात को तो मैं कपड़ा वगैरह काम वगैरह कुछ नहीं करती। जो भी करती हूँ ना दिन के समय मैं करती हूँ, रात को मुझसे नहीं होता है, क्योंकि अभी तो ऐसे भी ठंडी का मौसम है और बहुत आलस लगता है। और सारा कपड़ा अभी मुझे तय करके रखना है, तो चलिए गाइस मैं तय कर लेती हूँ। सो गाइस, सारा कपड़ा को तय करके रखूँगी, उसके बाद जाऊँगी मेरे बेटा को ट्यूशन छोड़ने के लिए। फिर आप सभी लोगों से मैं मिलती हूँ शाम को। और आज का व्लॉग आप सभी लोगों को कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और कोशिश करती हूँ जो रोज़ मैं व्लॉग पोस्ट करूँ, रोज़ एक मतलब अच्छे से अच्छा व्लॉग लेकर आऊँ। लेकिन क्या करूँ, जो घर में रहती हूँ, जो मेरा रूटीन होता है डेली का, जो मैं काम करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ, मेरा यह डेली का ही काम है, रोज का काम है जो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। सो गाइस, अभी हो गया है शाम और अभी मैं बनाऊंगी शाम का चाय। तो आप लोग देख सकते हो शाम का समय का व्यू देख के पता चल ही गया होगा शाम हो गया है। तो चलिए गाइस, तो काफ़ी दिन बाद मैं इस तरीका से बाहर का व्यू बना रही हूँ तो अच्छा लगता है देखने में। तो चलिए अभी मैं बनाती हूँ चाय। सो गाइस, यहाँ मेरा शाम का चाय बनके रेडी हो गया है और अभी मैं ले लूँगी कप में। तो इधर है मूढ़ी भी ली हूँ, चाय के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है मूढ़ी। तो चलिए मैं पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। सो हे गाइस, गुड इवनिंग। तो आज का ब्लॉग आप सभी लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। पसंद आते तो प्लीज़ गाइस लाइक कीजिएगा। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।